काफ़ी अच्छी फीलिंग है पेरेंट्स को काफ़ी प्राउड फील हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है जब रिज़ल्ट आया उसके बाद मतलब बहुत अच्छा लग रहा है तब से आपने स्कूलिंग कहाँ से की मेरी स्कूलिंग कामल कॉन्वेंट से हुई है टेंथ तक उसके बाद मैंने ट्वेल्थ शिक्षा निकेतन से करा है ट्वेल्थ के बाद ट्वेल्थ के बाद मैंने ग्रेजुएशन करी गांधीनगर कॉलेज से इन सब्जेक्ट हिस्ट्री जोग्रफी एंड पॉलिटिकल साइंस उसके बाद मैंने मास्टर्स करी है यूनिवर्सिटी युनिवर्सिट, यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ही पेरेंट्स की बात करेंगे मम्मी और पापा दोनों किस प्रोफेशन में uh, मेरे फादर जो हैं वो डीन हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी में और जो मेरी मदर है, हैं वो टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में तो दोनों एजुकेशनल बैकग्राउंड ही है उनका और दोनों का सब्जेक्ट भी मैथ मैथमेटिक्स ही है कितना रोल रहा मम्मी और पापा का आपको एस में सिंस मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स दोनों ही एजुकेशन फील्ड से ही हैं तो वो हमेशा से ही वो सपोर्ट या वो एनवायरमेंट घर पर रहा है तो हमें हमेशा मोटिवेट किया जाता था कि कुछ आ, अचीव करना है लाइफ में कुछ गोल होना चाहिए तो ऐसा नहीं उन्होंने कभी कहा कि कुछ एक पर्टिकुलर गोल लो बट उन्होंने ये हमेशा मोटिवेट किया कि आप जिस भी फील्ड में जाओ उसमें एक्सेल करो ऐसा कुछ एजुकेशन हो या स्पोर्ट्स हो हर चीज़ में इनफैक्ट मेरे को याद है कि मेरे फादर ने आर्ट एंड आर्ट्स जो ड्राइंग की क्लासेस भी फोर्थ फिफ्थ में मेरे लिए लगाई थी तो उन्होंने हमेशा यही कहा है कि डाइवर्स फील्ड्स में जाओ इनफैक्ट मेरा ब्रदर भी जो है अर्जुन जिसने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में अभी रैंक वन लिया था उसने उसकी भी काफ़ी सपोर्ट और हेल्प रही इस जर्नी के दौरान क्रेडिट टू फैमिली येस ये एंड गॉड ऑल्सो एंड माई गुरु ऑल्सो ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना अंतर रहा और कितनी मदद दे दिया दोनों चीज़ों ने ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने कोचिंग ली थी डेली से बट ऑनलाइन अब सोर्सेज मैं ऑनलाइन का कहना चाहूँगी एक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है पॉजिटिव इन द सेंस कि uh, जो हमारी डिसेंट्रलाइज हो गई है कोई भी कोचिंग uh, मतलब अगर कुछ भी मटेरियल चाहिए हो काफ़ी इजीली अवेलेबल है नेगेटिव इसका ये हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन तो सेग्रीगेट करना आई थिंक डिफिकल्ट हो जाता है कि uh, कौन सा मटेरियल लिया जाए और कौन सा नहीं लिया जाए बट नेवरदरलेस अगर गाइडेंस सही हो आई थिंक uh, दोनों ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कितने घंटे आप किताबों के साथ घंटे एज इन कोई ऐसे स्पेसिफाइड नहीं रहता था बट स्टिल मैं डेली बेसिस पे अपना एक टारगेट सेट करती थी कि जो मैं ट्राई करती थी कि मैं पूरा कर सकूं अगर वो एट आवर्स में हो जाता था तो वेल एंड गुड नहीं तो अगर ट्वेल्व में होता था तो तब भी ठीक है मतलब इट वाज टारगेट वाइज अभी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलेगी जी क्या कहना चाहते हैं जब आप अभी एक साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलेगा तो होम यू विल हेल्प बाई आई थिंक ग्राउंड लेवल पे मैं वर्क करना चाहूँगी Uh, क्योंकि आई फील uh, लोगों की जो ग्रीवान्स हैं अगर वो मैं किसी तरीके से अगर मैं उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ तो मैं डेफ़िनेटली प्राउड फील करूँगी अभी तो चलो मौका है प्राउड फील करने का बट असली मैं प्राउड तभी फ़ील करूँगी अगर मैं किसी तरह से लोगों को सर्व कर पाऊँ और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं ग्राउंड लेवल पे काम करूँ जो जो भी मेरे से नीड जो चाहते हैं हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगी गीताजी आपसे पर्सनल एक क्या हॉबीज है आपकी मुझे चेस खेलना अच्छा लगता है और योगा एंड मेडिटेशन भी बीच में और मुझे जिम करना और मतलब रनिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है सुबह अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग मुझे अच्छा लगता है इन सब चीज़ों के साथ साथ जी पढ़ाई कितनी अहम है पढ़ाई का तो बहुत ज़्यादा रोल है नॉट जस्ट कि ये हमें कुछ अचीव करने में हेल्प करता है बट हमारी पर्सनालिटी को भी ये काफ़ी ज़्यादा ग्रूम करता है एजुकेशन से uh, इनफैक्ट लिटरेसी uh, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट आई थिंक एजुकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट जो स्टूडेंट की होनी चाहिए चाहे वो फिजिकली मेंटली सब कुछ इंक्लूड uh, करके आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या मैसेज दे देंगे जो आने वाले वक्त में जी के, के की तैयारी कर रहे होंगे या कर रहे होंगे विल बी करेंगे मैसेज मेरा ये रहेगा कि इस एग्ज़ाम में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है तो प्लीज़ पेशेंस uh, से लीजिए Uh, अगर इनकेस नहीं भी एक बार हुआ नहीं भी हुआ अगर आपकी डायरेक्शन सही है आप उस डायरेक्शन uh, को फॉलो कीजिए और डीमोरलाइज मत हो जाइए कि अगर नहीं हो रहा है तो अब हम क्या करें जस्ट ठीक है दो तीन दिन का ब्रेक लीजिए उसके बाद uh, फिर से कंटिन्यू कर लिए अपना जो गोल है वो अचीव आप कर ही लेंगे जब रिजल्ट आउट हुआ जी रात के टाइम था तो हाँ वन ऑफ़ द क्लोज फ्रेंड्स कॉल मी रात को एंड ही टोल्ड मी की रिज़ल्ट इज आउट एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी सोए हुए थे तो अच्छा लगा उसके बाद मैं एकदम जोर से बोली तो पापा मम्मा को लगा इतनी रात को किसका फ़ोन आ गया टेंशन में आ गए थे बट स्टिल जब मैंने उनको बताया तो काफ़ी काफ़ी हैप्पी थे और उन्होंने फिर रिलेटिव्स को भी उसी टाइम कॉल कर दिया था कि रिजल्ट आ गया है तो वो भी बहुत खुश हुए थे कितनी खुशी समाई जब आपने रिजल्ट्स ये एक्चुअली ऐसा हुआ था कि दोनों खुशियां साथ में ही आ गई थी एक मेरे ब्रदर का भी हुआ था इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में फिर मेरा भी उसी टाइम हो गया तो वो डबल हो गया था जितनी भी हैप्पीनेस थी सब डबल हो गया तो बहुत अच्छा लगा था टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर WhatsApp करिए हाय 9728253663 पर